हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बटरफ्लाई वाल्व। सो लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल वाल्व फर्स्ट। सो कंट्रोल वाल्व इज अ डिवाइस विच इज यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस। कंट्रोल वाल्व एक ऐसी डिवाइस है जो यूज होता है लिक्विड या गैस के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। आज हम बटरफ्लाई वाल्व का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन और उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। सो ये फिगर में हम बटरफ्लाई वाल्व देख सकते हैं। सो बटरफ्लाई वाल्व जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वन मेटल डिस्क। जैसे उसका एक एनिमेशन भी यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, कैसे उसको उसका कैसे वर्किंग होगा, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आज के वीडियो में हम देखेंगे। सो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बटरफ्लाई वाल्व। सो अ बटरफ्लाई वाल्व इज अ टाइप ऑफ क्वार्टर टर्न वाल्व दैट यूज टू कंट्रोल द फ्लो। जैसे हम देख सकते हैं क्वार्टरली टर्न करता है ऐसे। सो बटरफ्लाई वाल्व जो है वो थ्री मोड्स में वर्क करता है। क्या तो वो कम्प्लीटली ऑफ होगा, मतलब ये जो मेटल डिस्क आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर और उसका एनिमेशन नीचे, तो पूरा बंद कर देगा, मतलब फ्लो पास नहीं होने दोगे। या फिर 50% ओपन हो गया या फुल्ली ओपन होगा। जैसे फुल्ली ओपन होगा तो हमें अगर फ्रंट व्यू देखे तो वी जस्ट हमें एक सिंपल एक लाइन जैसा दिखेगा। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व जो है उसका इज अ क्लासिफाइड एज अ क्वार्टर टर्न वाल्व बिकॉज इट ओनली रिक्वायर्स अ 90 डिग्री टर्न ऑफ द हैंडल। एंड द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ बटरफ्लाई वाल्व इज अ डिस्क। जैसे मेटल डिस्क है जो जनरली कंट्रोल वाल्व, जैसे अगर हम ग्लोब वाल्व या दूसरे कोई वाल्व की बात करें तो उसमें प्लग होता है विच इज अ रिस्ट्रिक्शन एलिमेंट। बट इन द बटरफ्लाई वाल्व वी हैव अ डिस्क विच इज फ्लैट और स्लाइटली कॉन्क्लेव दैट इज पोजिशन इन द सेंटर ऑफ द वाल्व बॉडी। सो द डिस्क इज अटैच टू द शाफ्ट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द वाल्व एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ एक जैसे हमारे पास हैंड व्हील है, कंट्रोल ये जो बटरफ्लाई वाल्व है वो मैन्युअली ऑपरेटेड भी है और ऑटोमेटेड दोनों वर्जन में अवेलेबल है। सो जैसे ही हम उसको उसका हैंड व्हील मूव करते हैं, उसके हिसाब से ये जो उसका मेटल डिस्क है या तो फ्लो को पास होने देगी या फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगी। सो एप्लीकेशन ऑफ बटरफ्लाई वाल्व। सो बटरफ्लाई वाल्व जनरली कॉमनली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, हाई वोल्टेज एसी सिस्टम्स, केमिकल प्रोसेसिंग एंड वेरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस ऑफ बटरफ्लाई वाल्व, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई वाल्व देखे तो उसमें प्रेशर ड्रॉप के या काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं, मगर इसके एडवांटेज देखे तो इट इज़ अ क्विक एंड ईजी टू ऑपरेट ड्यू टू क्वार्टर टर्न डिज़ाइन। मतलब जैसे हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा तो इट ईजीली जो है वो मूव कर सकता है, उसका ऑपरेटिंग काफ़ी ईजी है। कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट डिज़ाइन है। लो प्रेशर ड्रॉप एंड हाई प्रेशर रिकवरी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी एग्जाम में या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बटरफ्लाई वाल्व का द मेजर एडवांटेज ऑफ बटरफ्लाई वाल्व इज टू लो प्रेशर ड्रॉप एंड हाई प्रेशर रिकवरी, इज ऑफ ऑपरेशन एंड एक्चुएशन। उसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कम रिक्वायर है। क्विक एंड एफिशिएंट सीलिंग है। उसका सीलिंग प्रोसेस जो है वो भी एकदम एफिशिएंट है और उसका कॉस्ट जो है कंपेयर टू अदर वाल्व काफ़ी कम है। सो दिस इज दैट इज ऑल अबाउट द बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व में अगर आप वो क्वेश्चन पूछे तो द मेजर एडवांटेज ऑफ बटरफ्लाई वाल्व इज द प्रेशर ड्रॉप। कम से कम प्रेशर ड्रॉप होता है एंड इट हैज़ अ वेरी सिंपल डिज़ाइन और आप देख सकते हैं उसमें बटरफ्लाई वाल्व में मेंटेनेंस भी काफ़ी ईजी होगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बटरफ्लाई वाल्व। लिमिटेशंस, सो बटरफ्लाई वाल्व जो है मे नॉट बी सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग अ प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल। समटाइम्स फ्लो कंट्रोल में इश्यू होता है। लिमिटेड इन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन कंपेयर टू सम अदर वाल्व्स। कि अगर अदर वाल्व्स की बात करें तो कहीं सारी कुछ टेम्परेचर या प्रेशर रेंज पे बटरफ्लाई वाल्व का यूज़ करना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट।